सिग्निफिकेंट फिगर, अगर जैसे मान लो हाँ भाई खड़ी हो जाए, खड़ी हो जाए, 2.030 कितने सिग्निफिकेंट फिगर, तुम्हें पूछा मैंने तुमसे, मैंने पूछा तुमसे, बहुत छोटी सी बात है, कुछ नहीं, रट रहे हैं रूल्स, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 5। इस जीरो की इंपॉर्टेंस है नहीं है, है नहीं है, बैठ जा, खड़ा हो जाए, अकड़ाओ जल्दी, अकड़ाओ, 2.16 × 10⁶, बोलने दो से यार, चुप रहो ना थोड़ी देर, बोल, 3, 0.001 × 10⁶, टेन टू द पावर सिक्स मत लगा, कितने सिग्निफिकेंट इधर है, कितने इधर वाले जीरो की कोई वैल्यू, ठीक है राउंडिंग ऑफ करते हैं, क्या बेसिक बात क्लियर है, क्या सिग्निफिकेंट फिगर क्लियर है, यार हाँ ना बोल, बिल्कुल सिंपल, बोले आपको बताऊं तो 2003 क्या सवाल है, 2003 का इसमें पीछे सवाल वगैरह दिखाता हूं मैं तुम्हें, एग्जैक्टली सवाल बताता हूं, ध्यान सुनना, 2003 मेरे टाइम का, और मुझे जैसा गधेड़ा लड़का मैंने गलत कर दिया उसको, बता रहा हूं मैं आपको क्या सवाल था 2003 का, देखना इसमें है नहीं है, हो सबसे पहले एक मिनट, एक्सरसाइज 3 सबसे पहला सवाल 2003 का सुनना, द एज ऑफ अ क्यूब इज ए 1.2 × 10⁻², मीटर, देन इट्स वॉल्यूम विल बी रिकॉर्डेड एज, वॉल्यूम ए ऑप्शन दिया 1.7 × 10⁻⁶, बी ऑप्शन 1.70 × 10⁻⁷, सी ऑप्शन 1.70 × 10⁻⁶, डी ऑप्शन 1.78। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया, ये क्या हुआ भाई, तेरे को अगर याद हो तूने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में देखा हो, इसमें देखा देखा यार, हाँ ना बोल, 1.2 का क्यूब कितना हो पहले बताओ भाई, जब मेरे लिए सवाल मेरे 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 ईयर में आया था सवाल, स्क्रीनिंग का सवाल है जो मैं आपको बताऊं, अब मेरे को उस साल ये चैप्टर जुड़ा ही था, उस साल ये चैप्टर जुड़ा ही था, मतलब उसके पहले होता ही नहीं था, तो किसी ने पढ़ाया नहीं, हमने भी ध्यान नहीं दिया, क्या क्या हुआ उसमें, पढ़ के ही नहीं गया, मतलब अभी सवाल है 1.2, तो मैंने कहा इस सवाल में क्या है, पहले तो सोचा जेई ऐसा सवाल पूछो, फिर 1.2 का क्यूब करा, तो 1.2 का क्यूब करो कितना आएगा, 1.728। अब भाई साहब मैंने निकाल लिया 1.728, अब मैंने ये क्या हुआ, सभी 1.7 है, सभी 1.7 दिख रहे हैं इसमें, तो ये सवाल कैलकुलेशन का थोड़ी था, सिग्निफिकेंट फिगर का था, जब आप मल्टीप्लाई करते हो, आपने रूल्स पढ़े होंगे, जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो फिगर लिखते हो, जो फिगर उसमें उतने कौन सी सिग्निफिकेंट डिजिट होती है, जो कम हो, मान लो आपने दो चीजों को मल्टीप्लाई करा जिसमें एक में दो सिग्निफिकेंट डिजिट है, एक में चार, तो जो रिजल्ट लिखोगे उसमें कितनी होनी चाहिए, दो, इसका मतलब जो आप तीन बार 1.2 मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो तीनों में दो दो सिग्निफिकेंट डिजिट है, अगर इसको ध्यान से देखो तो इसमें कितनी है, चार, इसमें कितनी है, अब राउंड ऑफ करो, इसका राउंड ऑफ 1.7, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट, इसमें तीन, कितनी, अब मेरे जैसे को समय समझ ही नहीं आया इसमें क्या अंतर है भाई, अरे यार नहीं आया, नहीं आया, अरे भाई कौन सा आंसर है, दो ही चाहिए भाई, अब रूल आने चाहिए थे आपको, क्या आने चाहिए थे, जेई 2003, अब क्या इसमें रूल से याद होने, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई या, मान लो आपसे कोई बोलेगी 1.268 डिवाइड बाई 0.63, जो भी आंसर आएगा उसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट, दो, अब मान लो ज्यादा आई तो क्या राउंड ऑफ करोगे, तो राउंड ऑफ और सिग्निफिकेंट डिजिट आपको ढंग से समझ में आना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है वो, कोई रॉकेट साइंस, रॉकेट साइंस थोड़ी है वो कोई, अरे भाई मल्टीप्लाई और डिवाइड डिवीजन में क्या सिखाया आपको, आपने पढ़े ही नहीं भाई रूल, पढ़े है ना, तो रूल में उसने क्या बोला, मल्टीप्लाई और डिवाइड में, कि मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, तो जिसमें कम सिग्निफिकेंट डिजिट हो उतरे, ज्यादा आए तो राउंड ऑफ करोगे, राउंड ऑफ कैसे करते हैं, मान लो जैसे मान लो मेरे को राउंड ऑफ करने का तरीका क्या होता है, मान लो कि मेरे को इसको दो सिग्निफिकेंट डिजिट में लाना है, बोला क्या दोनों गायब करनी है, अब देखो 28,
इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती थी 99, क्या होती थी 99. ये वैल्यू 99 की आधी से कम है. अगर ये वैल्यू आधी से कम है, मतलब 100 मानो तो मैक्सिमम वैल्यू कहां जा सकती है 100. तो अगर ये वैल्यू 50 से कम है, 50 से कम है, तब तो आप कुछ मत बढ़ाओ, मतलब 1.7. पर मान लो ये वैल्यू 1.775 होती, क्या 50 से ज्यादा है? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया. हमेशा ऐसे करना है राउंड ऑफ करने के लिए. अच्छा, राउंड ऑफ करने का मतलब पहली बात आपको ये समझ में आना चाहिए कि मेरे को मल्टीप्लाई करना है अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो मेरे को छोटी वाली टर्म लेनी चाहिए, छोटी वाली टर्म, पर उसको राउंड ऑफ करना भी मुझे आना चाहिए. तो आपको सिंपली ये करना है, मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि 1.28, इसको दो डिजिट में राउंड ऑफ करो, दो सिग्निफिकेंट फिगर में. इसका मतलब क्या ये गायब? इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1000. कितनी? 1000. कितनी? 1000. ये 500 कम है ज्यादा? तो अरे यार, तो 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 अब कंफ्यूजन सर. एग्जैक्टली 1.7500, 1.8 की नहीं, रूल पढ़े होंगे तो बता पाएगा. 1.6500, 1.6. अगर ये ऑड होता है तो एक से बढ़ाते हैं. ये एग्जैक्टली आधा है ना? याद है ना? एग्जैक्ट. भाई आधे से कम तो मत बढ़ाओ, आधे से ज्यादा तो, और आधा तो. तो ये इवन तो, सॉरी, ऑड तो एक से बढ़ाओ, और इवन तो, इवन तो बुलाया कि नहीं आया? एकदम पक्का? सिंपल, और कुछ नहीं करना. सीनियर फिगर अपने लिखने आते हैं, हाँ वो मुझे समझ में आते हैं, बहुत बढ़िया सर. उसके बाद सर मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो छोटे वाले के लिए. अच्छा, प्लस माइनस में रूल पढ़ाई नहीं आपने? सो एर पुर आ ई उ को आ सुन. 3.2864. अरे यार, हाँ ना बोल. पक्की बात? इज एडेड टू 47476.32. गॉट माई पॉइंट? जो रिजल्ट आएगा, जो पहले नॉर्मल जोड़ते हैं 479.5, इसे वन ले लो, 9654. ये तो डायरेक्ट जोड़ लिया. व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट इट? कितनी सिग्निफिकेंट फिगर लूं? इसमें कितनी? 1, 2, 3, 4, 5. एक दो तीन चार पांच, तो 1, 2, 3, 4, 5. ऐसे कुछ नहीं लॉजिक है, तुमने रूल पढ़ा ही नहीं. प्लस माइनस में सिर्फ पॉइंट के बाद वाली मतलब है, पहले वाली से कोई मतलब नहीं है. इन दोनों में इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट पॉइंट के बाद? 5. इसमें कितनी? 2. तो पॉइंट के बाद इसमें 2 होनी चाहिए, पॉइंट के बाद इसमें 2. याद रखें एकदम, रूल नहीं पढ़े यार, पढ़े है ना? अगर प्लस माइनस है तो पॉइंट से पहले वाले का कोई लेना देना नहीं है. पॉइंट के बाद जितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं दोनों टर्म्स में, उसमें जिसमें कम है क्या उतने लेने हैं? और राउंड ऑफ कर लो. क्या कर लो? और राउंड ऑफ करना मैंने आपको अभी भी सिखाया. बोल यस और नो? यार नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया. ओहो, तो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करना सिखाया, यार निकालना सिखाया, यार कैसे निकालते लास्ट टाइम सिखाया. अरे यार, हाँ ना बोल. वाली बात सोच लो. पक्की बात? बहुत बढ़िया सर. और ऐसे अपन इनका मल्टीप्लिकेशन डिविजन राउंड ऑफ करते हैं, राउंड ऑफ करके अपन सिग्निफिकेंट डिजिट लिखते हैं. और जैसे भी अभी आपको 2003 का सवाल बताया, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं जिनमें कुछ नहीं होता, कुछ होता नहीं उनमें खास, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होते हैं वो. कैसे होते हैं? एक्सपेरिमेंटल बेस्ड. और पेपे का क्लियर है? एकदम पक्का? क्या याद रह जाएगा सबको? 100%. बहुत बढ़िया. अब अपन एक चीज पढ़ रहे हैं जो कोई रॉकेट साइंस नहीं, उन्हें बोलते हैं वन ईयर कैलिपर स्क्रू गेज, जो हमारे कोर्सेज में मेंशनड है, जो हमारे कोर्सेज में मेंशनड है. मैं आपको एक चीज समझा चुका था, लीस्ट काउंट. क्या चीज? अब अपन पढ़ते हैं वन ईयर कैलिपर स्क्रू गेज. बाल्टी गिर गई. आइए, ये क्या हुआ? हाँ, इधर मैं देखो, इस पे तो बहुत बाद में आऊंगा. वन ईयर कैलिपर स्क्रू
स्टेज, ये दो इंस्ट्रूमेंट है, आप ये मान के चलो गारंटीड जेई मेन जे एडवांस में एक सवाल मिलेगा, गारंटीड है। क्या है मतलब, मान ले कि 90% पॉसिबिलिटी की दोनों में मिलेगा और 110% श्योर हूं कि दोनों में से एक जगह, तो इसलिए आधे घंटे में जो अगला बोलूंगा उसमें आपको पक्का एक सवाल मिलेगा 110%, और उसमें कोई रॉकेट साइंस फील कराऊंगा आपको अच्छे से, घड़ों की तरह नहीं पढ़ाऊंगा, अरे यार हाँ बोल। पहली बात, ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बेसिकली, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, इसे बोलते हैं वर्नियर कैलिपर, क्या बोलते हैं, और इसे बोलते हैं स्क्रू गेज, सॉरी ये वर्नियर कैलिपर और ये, पहले हम क्या पढ़ेंगे, आप एक समझो जो आपका नॉर्मल स्केल है, क्या है, जो आपका नॉर्मल स्केल है, दिस इज वॉट वर्नियर कैलिपर इज, लाइट ऑफ कर दो, रही है दिख जाएगा, मरो मत, सब दिख रहा है तुम्हें, ये वर्नियर कैलिपर है, क्या ये वर्नियर कैलिपर ऐसा दिखता है, वो प्रारूप आपको दिखाओ एनिमेशन आया हुआ। अब वर्नियर कैलिपर ऐसी चीजों को मेजर करता है एक्यूरेट वाली, जैसे मान लो सेंटीमीटर, जैसे मान लो हमें इसकी विड्थ नापनी है, इसकी ध्यान देखो तो इट इज ऑप, ये इसकी मोटाई, ये करीब करीब 2 सेंटीमीटर के आसपास होगी, इसको एक्यूरेटली नापना है तो मैं नॉर्मल स्केल से नापूंगा आपने, तो एक्यूरेट आएगी ये बेकार एक्यूरेट आएगी। तो हम एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं जिसे बोलते हैं वर्नियर कैलिपर, क्या बोलते हैं और रीडिंग ली, क्या है इस वर्नियर कैलिपर डिफरेंट, पहले अपन मैं फिर कोई फॉर्मुला नहीं लटे, फील के साथ समझते हैं, फॉर्मुला लटोगे तो तुम सवाल सही नहीं कर पाओगे, बात याद रखना, और इट इज टिपिकल टू अंडरस्टैंड, बहुत आसान नहीं होगा जो मैं कह रहा हूं उसे समझना, पर समझ जाओगे तो मजा आएगा तुम्हें। देखो ये जो नॉर्मल स्केल है, ये नॉर्मल स्केल है, इसे बोलते हैं मेन स्केल, क्या बोलते हैं इसे, मेन स्केल बोलते हैं, ये वही स्केल है जो आपके आप जो यूज करते हो, वही स्केल है ये, देख 0.51, 1.52, 2.5, समझ में आया, नॉर्मल स्केल जो आप यूज कर रहे हो वो है, इसके ऊपर नीचे एक और स्केल है, देख ये वाला, देख यहां पे भी एक दिख रहा है स्केल, देख ध्यान से, दिख रहा है, दिख रहा है क्या, वो ये रहा स्केल, देख ये ऊपर वाला, इसे जूम करके दिखाया हुआ है, अरे यार यहां देख दिखाता हूं तेरे को, ये जो है ना ये एक मेन स्केल है और ये रहा एक स्केल, अरे यार ये जो चीज ना जो चल रही है इसमें ये स्केल है, देखो एक और छोटा सा, अरे यार हाँ ना बोल, इसे वर्नियर स्केल बोलते हैं, वर्नियर बेसिकली साइंटिस्ट के नाम पे भेजे जिन्होंने करा था, इट इज अ गुड इन्वेंशन, पेरी वर्नियर करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने करा बाढ़ में जाए, अरे यार तो बेसिकली अपने को ये दो स्केल है, हम हमारे नॉर्मल स्केल से क्या मेजर कर पाते हैं, हमारा जो नॉर्मल स्केल है उसका लीस्ट काउंट क्या है, 1 mm, क्या है 0.1 सेंटीमीटर, क्या दिस इज लीस्ट, उसकी एक्यूरेसी वहीं तक ही है, पर अगर मैं इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट मेजर करना चाहता हूं एंड इफ आई वॉन्ट टू मेजर इट मोर तो अलग इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, उन्होंने उसी स्केल पे एक और स्केल जोड़ के अक्कल लगा के इंस्ट्रूमेंट बना दी, जिसे बोलते हैं वर्नियर कैलिपर, क्या बोलते हैं, नाउ व्हाट दे हैव डन, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इससे क्या हुआ वो आपको समझना पड़ेगा, देखो यहां चूहा चल रहा है सर, चूहा चल रहा है, यहां से चल रहा है क्या, हाँ चल रहा है, देख देख तू बहुत ध्यान से देखे तो ये कौन सा स्केल है, मेरे को मत देखो, एरो देखो उधर, मेरे को देख रहे हैं सब लोग, देखो ये जो नीचे वाला स्केल है कौन सा स्केल है, देख इस मेन स्केल के 0 से लेकर 1 तक कितने डिवीजन है, 10, कितने ऊपर वाले स्केल में देख कितने, गिन गिन 1, 2, ऊपर वाले स्केल को गिन 1,
टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. ऊपर वाले में कितने? टेन. नीचे वाले में कितने? देख, नीचे वाले का नाइन्थ डिवीजन, सॉरी हाँ, नीचे वाले का नाइन्थ डिवीजन ऊपर वाले के कितने? टेन से मैच करो. यानी कि अगर हम बहुत ध्यान से सोचे तो जो वर्नियर स्केल है उसका एक डिवीजन कितने सेंटीमीटर का है? ध्यान सुना प्लीज. हमारा मेन स्केल, कौन सा स्केल, उसका एक डिवीजन इज 0.1 सेंटीमीटर और 1 mm. यस और नो? यस सर. अरे यार, एक सेंटीमीटर डिवाइडेड टू 10 डिवीजन्स. यार हाँ ना बोल. तो उसका एक मेन स्केल का जो एक डिवीजन है वो कितनी मेजरमेंट है उसका? 1 mm. अरे तुमने स्केल नहीं देखा क्या? एक स्केल के दो डंडों के बीच की दूरी कितनी है? मानता है या 0.1 सेंटीमीटर कोई बुराई? पर तू ध्यान दे, मेरे ऊपर एक और स्केल बनाया जिसमें भी 10 डिवीजन करे. कितने करे? पर हमारे मेन स्केल के 9 डिवीजन और उस स्केल के क्या बराबर है? मतलब उससे एक डिवीजन की लेंथ इतनी. देखते क्या 9 इंटू 0.1 9 इंटू क्या यहां से यहां तक की लेंथ है? यार हाँ ना बोल. मान लेते कि इसके एक डिवीजन की लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, VS मतलब एक्स मान लेते हैं. क्या मान लेते हैं? बराबर 10x. कितने उसके? 10. हमारे कितने से मिले? एक कितना? 0.1. हमारी लेंथ 9 into. उसका मान लो एक डिवीजन एक्स. कितना? 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 एक्स इंटू 10. तो उसका एक्स कितना आया भाई? 0.9 सेंटीमीटर. हमारे भाई साहब, उतारने की जल्दबाजी मत कर, समझने की कर. मैं कोई फॉर्मूला नहीं लिटाऊंगा किताबों की तरह, क्योंकि इसमें फॉर्मूले पे बेस सवाल नहीं आते. नया वर्नियर स्केल बना देते हैं, अच्छा सवाल लाते हैं. तब खाली इसे रीड करना मत सीखना. नए स्केल सवाल कैसा आ रहा है जेई में? ऐसा भी आ सकता है कि रीडिंग बताओ, पर ऐसा भी आ सकता है कि मान लो इसमें 10 से 9 कर रहे हैं ना, मैं नया बना दूंगा 25 से 15 मैच कर रहा है, बता. इसे यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर. इसे यू नीड टू अंडरस्टैंड. दिस इज अ स्टैंडर्ड पेरी वर्नियर कैलिपर, दैट इज फॉर श्योर. बट वो आपको नया वर्नियर कैलिपर भी तो आपको निकालना आना. आप बात समझे पहले तो, ये सबको समझ आया? ऐसा दिख रहा है सब कुछ. तो रीडिंग में क्या फायदा हुआ? फायदा हुआ कैसे समझे? हाँ देखो, मान लो कि हम इस वर्नियर स्केल को हिलाते हैं. ये हमारा ऑब्जेक्ट था, यहां पे हमने ऑब्जेक्ट फंसा दिया. बोलो क्लियर. यहां पे हमने ऑब्जेक्ट ऐसे जैसे मैं अभी दिखा रहा था ना तुमको, ऐसे ऑब्जेक्ट फंसा लिया मैंने. ये देख, ऑब्जेक्ट फंसा ऐसे तो ऐसे ही दिखेगा. अरे यार, यहां पे आपने ऑब्जेक्ट फंसा लिया ऐसे. ये आपने ऑब्जेक्ट फंसा लिया, ये रहा ऑब्जेक्ट. मान लो ऑब्जेक्ट है रॉड, जैसे रॉड थी आपने फंसा ली उसको बीच में, तो ऐसे देखा. अब इस रॉड की लेंथ ही तो मेजर करनी है. इस रॉड की, अब देखे उसको यहां देख, इसी चीज को जूम करके दिखा रहे हैं आपको. अरे यार, इसी चीज को अब समझे. देखो ध्यान से, थोड़ा ध्यान देना. वर्नियर मेन स्केल पे देख रीडिंग क्या देगा. वर्नियर को भूल जाए थोड़ी देर. 1.5, 1.6, 1.7. अरे यार, रीडिंग देगा. अगर तेरा नॉर्मल स्केल होता तो क्या रीडिंग देता? अरे क्या देता? आप समझ. अगर तू बहुत ध्यान से सोचे तो ये किसका डंडा है? देख 1.7 तो ये रहा, ये किसका डंडा है? अब देख, वर्नियर स्केल के आगे
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वन्यर स्केल का चौथा डिवीजन मेन स्केल से मैच कर गया। मेन स्केल से, मेन स्केल से थोड़ी फील करनी पड़ेगी, ध्यान सुनना अच्छे से, बिल्कुल ढंग से। और जिसको नहीं दिख रहा आगे आ जाना इधर, ये दिख रहा है सबको, यहां से लेकर यहां तक एक ग्रीन है, थोड़ी लाइटें और बंद कर दूं, थोड़ा अच्छा और दिखेगा। अच्छे समझ, रियलिटी में रीडिंग 1.7 है या 1.7 से थोड़ी ज्यादा है, ये तो समझ आ, इतनी ज्यादा है तू ध्यान से देख तो। पर मैं उसे 1.7 के आगे कुछ नहीं बोल सकता, ना तो 1.7 है ना वो 1.8, पर ये एहसास तो है कि वो एक्यूरेसी तो लानी है मुझे, वो हुआ क्या कि इसका चौथा 1, 2, 3, 4 मैच कर गया इससे। अब जो मैं कह रहा हूं उसे बहुत ध्यान समझना, ये जो मैच करा इसे उल्टा गिन, मेन स्केल तक पहुंचने में 1, 2, 3, 4 कितने चार। ये मेन स्केल के चार का मतलब यहां से लेकर, अच्छे समझे सब लोग, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 0.4 सेंटीमीटर है। कितनी है 0.4 है। सोच वन्यर स्केल से यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये कितनी दूरी है पहले बताओ, 0.4 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ ये कितनी, 0.09 into 4, 0.09 into 0.09 into, ये कितनी है बताना जरा, पॉइंट। तो ये जो आप नहीं कैलकुलेट कर पा रहे थे वो 0.04 था, नहीं आया। कितना था आपने तो 1.7 बताया था ना, उसमें क्या रियलिटी में 0.04 और जोड़ना चाहिए, कितना जोड़ना चाहिए था, एक्यूरेट आई कि नहीं आई। अगर आप नॉर्मल स्केल होता, कौन सा होता, क्या होता, नॉर्मल स्केल अगर होता तो आप 1.7 बोलते, क्या बोलते, 1.7। अब कितना बोल रहे हो ध्यान से देख, 1.7 प्लस ये डिफरेंस, क्या वो 0.4 माइनस 0.36 इज 0.04, पॉइंट दैट इज 1.74। तू ध्यान से देख, नॉर्मल स्केल से सिर्फ दो सिग्निफिकेंट डिजिट आती, इससे कितनी आ रही है, इसने एक्यूरेसी बढ़ा दी 34 डिजिट तक। अरे भाई यार तुम्हें नहीं आया, असलियत में ये इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है कि रियलिटी में ये कितना मिनिमम नाप सकता है, 1 mm या 0.1 mm, 0.1 mm। सोच आपका मेन स्केल क्या नापता था, 1 mm। हमने जब 10 मेन स्केल के डिवीजन को, 9 मेन स्केल के डिवीजन को 10 मेन वनियर स्केल से मैच कराया, तो रियलिटी में सोच तो हमने 10 गैप्स में एक गैप को फिल कर दिया। ये समझ आया कि नहीं आया, क्या सबको समझ आया? अब मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि रियलिटी में एक इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करता है ऐसे वनियर कैलिपर जब बनाए जाते हैं, वो असलियत में दोनों स्केल्स की मिनिमम वैल्यूज के डिफरेंस को मेजर कर पाता है। सोच मेन स्केल की मिनिमम वैल्यू क्या है, 0.1 mm, कितना, 0.1 सेंटीमीटर, कितना, और वनियर स्केल का 0.09। तो स्केल मिनिमम क्या मेजर कर सकता है, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब 0.01 इस वर्नियर कैलिपर का, वर्नियर स्केल का, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या है, क्या है, 0.01 सेंटीमीटर। क्यों, सोच तो इससे क्या मेजर कर सकता है, सोचना अच्छे से, मैं तेरे को दिखाता हूं, देख
चश्मा कहाँ गया मेरा, कुछ दिख तो रहा ही नहीं है, हाथ तो प्राण निकल गए। इसलिए कह रहा हूं ध्यान समझना, कोई फॉर्मुला नहीं लिटाऊंगा, क्योंकि फॉर्मुले बनाने पे सवाल आ जाते हैं। जेई तो ऐसे ही सवाल पूछता है, रीडिंग लेना तो मैं सिखा दूंगा, रीडिंग लेने की टेंशन मत लो, वो तो मैं ऐसे ही सिखा दूंगा आपको। देख ध्यान से, चूहा कहां गया, हेरा, देखो 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 देखो, ओए होए होए, दिस इज द मिनिमम रीडिंग विच यू कैन टेक। इस बात को समझ, व्हाट इज लीस्ट काउंट, मिनिमम रीडिंग विच यू कैन टेक। जीरो पे सोच, मेन स्केल होता तो एसईसीसी क्या रीडिंग देता, जीरो देता, थोड़ा सा आगे, क्या इसका फर्स्ट स्केल ही इसके फर्स्ट स्केल के साथ मिल गया। अरे यार ध्यान सुन, थोड़ा सा और मैच करा था, वो ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा आपको, मैच होता हुआ, वो ग्रीन का मतलब जिससे वो मैच कर गया। थोड़ा सा और दिखाता हूँ आपको, कहाँ गया, क्या हुआ, क्या हुआ, बात समझो। सुन एक्यूरेसी तो इससे ज्यादा भी हो सकती है ना, एक्यूरेसी तो, अब आप समझे उस बात, डाउट में बिल्कुल जेन्युइन है, बट उस बात को फील करें। मान लो जब मेन स्केल होता है तो अगर कोई चीज यहां पे बीच में होती है तो आप एक दो तीन, एक दो तीन चार पांच छह ले लेते हो, क्या ले लेते हो, ये छह से मैच करी सात से या छह के पास थी, बीच में छह के पास ये, अरे भाई अब यहां पे भी देख, कभी क्या हो सकता है कि कोई भी किसी से मैच ना करे, तो जो सबसे ज्यादा मैच कर रहा हो क्या उसी को मान लिया जाए, क्या उसी को मान लिया जाए। इन पूरे खेल में सबसे ज्यादा पास में ये ग्रीन दिखा रहा है, बेसिकली तो एनिमेशन है, ये क्या है, एनिमेशन, ये ग्रीन बता रहा है कि बेसिकली वन वन से मैच कर गया है। रियलिटी थोड़ा सा और आपको अच्छा करके दिखाता हूं, अरे तो सरकाऊंगा तभी तो दिखेगा, ये देख अब दिखा, अब दिखा, अब दिखा, अरे यार हाँ ना बोल, तो बिल्कुल बोल, दिखा आप, थोड़ा सा आगे सरका, सोच के देख, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इतना सा, ये लेंथ कितनी है, 1 mm, सोच यहां से यहां तक 1 mm और यहां से यहां तक 0.09 mm, तो डिफरेंस है ना, इससे कम मेजर कर सकते हो क्या। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या होता है, जो उससे आप सबसे कम वैल्यू मेजर, क्या मेजर कर पा रहे हो उससे, 1 mm, 0.09 mm या दोनों का डिफरेंस, दैट इज 0.01 mm। बताओ नॉर्मल स्केल से ज्यादा एक्यूरेट है नहीं, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस। सो इसका लीस्ट काउंट क्या हुआ, क्या हुआ, 0.01। अच्छे से सोचो 30 सेकंड, क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई, अच्छे सोचो, कोई जल्दबाजी नहीं, जो मैंने कराया अभी कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि कोई उतारना उतारना ज्यादा नहीं, यही समझना है। आप समझ गए आज का लेक्चर आप मेरा, तो आपका एक सवाल तय सही है, बल्कि दो सही है और जे एडवांस में तय, बस प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ी। देखो उधर जो मैंने सब लिखा हो तुम्हें बात समझ आई कि नहीं आई, क्यों लीस्ट काउंट 0.01 आया, सोचो उसको अच्छे से। बोल चमका, मैं आपको बताऊं, ये रियल वनियर कैलिपर है, इसमें आप एक बार समझो कि जो लीस्ट काउंट आया वो क्या आया, बेसिकली उसको समझो, बेसिकली वो था क्या, मेन स्केल के एक डिवीजन की लेंथ माइनस वर्नियर स्केल के एक डिवीजन, यही लीस्ट काउंट होता है, कंसेप्ट ये समझे आप। हमारे स्टैंडर्ड में वो 0.01 आया, कितना आया, बोल आया कि नहीं आया, क्यों ऐसा होता है ये भी मैं आपको समझा, बोल ऐसा ही तो होगा, यही तो मिनिमम है।
इससे कम मेजर करना पॉसिबल यही होगा ना. तो बेसिकली इन दोनों के डिवीजन का जो डिफरेंस है कि दैट इज द लीस्ट काउंट, दैट इज द मैं इस पर और चर्चा करूंगा. पहले मैं आपको वन ईयर जो अपना नॉर्मल वन ईयर कैलिपर है उस पर रीडिंग लेना सिखा देता हूं, विच इज वेरी वेरी नॉर्मल प्रोसीजर. आप समझे उस बात को, जहां बोल रोक दूंगा काटा वहीं पर अपन रीडिंग लिखना सीख लेंगे. बात को समझे, चल तू चला, तेरे को जितना चलाना है चला, वहीं रीडिंग लेना चालू कर लेंगे. जहां तेरी इच्छा रुका रोक लियो. थोड़ा सा पीछे ले जाओ मैं तुम्हें. ऐसे क्या कर रही हूं? ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट. रीडिंग लेनी है? Yes, क्या लेनी है? सिंपल reading. कैसे रीडिंग लिखते हैं? आ जाओ रीडिंग लेते हैं. 8.5, 8.6, 8.7, 8.8. क्या उससे आगे जा रहे हैं? Yes, क्या पहला गैप मैच कर गया? Yes, पहला गैप मैच. तो रीडिंग लिखने का तरीका सोच, अब ध्यान से तेरे को समझ में आ जाएगा. एक गैप आया इसका मतलब 0.01 जुड़ गया. Yes, 0.01 दो मैच करते तो वहां पे चार मैच करे थे तो ऐसा ही हुआ था. yes, वो माइनस करके तो मैंने आपको समझाया था. yes, माइनस करके तो मैंने आपको मान लो चौथा चौथे से मैच करा, इसका मतलब क्या 0.01 चार बार जुड़ा. yes, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया. तो रीडिंग लिखने का तरीका क्या है? रीडिंग मेन स्केल रीडिंग प्लस वन ईयर स्केल रीडिंग इंटू पॉइंट वन, सॉरी 0.01, और यू कैन से लीस्ट काउंट, और यू कैन से अब इस रीडिंग बोलो. एट पॉइंट आया कि नहीं आया? और सर का एक आध और दिखा, ऊपर मत देखना प्लीज यार, मैं रीडिंग आती है देखो, गलत बात है यार, ठीक है. अरे हाँ ना तो बोलो, चलो बोलो कितनी रीडिंग? 7.7 और कौन कितने मैच करे? दो. कितने मैच करे? 7.0 और बढ़ा ले दो चार, फील आ जाएगी उसमें क्या है. ऊपर मत देखना कसम उड़ान चलेगी, पहले कुछ सोचना, मतलब ईमानदारी से करे. इधर देखना नीचे, बस यहां देखना कसम है फिर ऊपर देखियो. सब अपने मन में रीडिंग सोच लो, एक सब अपने मन में रीडिंग सोच लो, सोच लो फिर ऊपर देखना. रुक जा प्लीज, मन में अपने हिसाब से रीडिंग सोच लो, अपने हिसाब से रीडिंग सोच लो. अपने मन में रेडी सोच लो फिर ऊपर देखना, देखो तुमने सही कराया क्या? देखो नहीं करा, सही कराया क्या? सही कराया क्या? क्या 5.76 सबको दिख रहा है? एक और बढ़ा दे आगे, कुछ नहीं करना, नॉर्मल रीडिंग लेंगे. कहीं से भी कहीं पे भी सेट कर दे जाते इच्छा हो, सिर्फ ग्रीन को देखना है बस. अब बोलो रीडिंग मन में और फिर ऊपर देखना. मन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, मन में अरे मन में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? उसमें क्या देख, 4.1234 4.4 प्लस वन ईयर की रीडिंग. वन ईयर रीडिंग क्या चौथा मैच करा? Yes, कौन सा मैच करा? चौथा. क्या 4 into 0.01? मतलब क्या 4.44? तुम्हें नहीं आया? आया. नहीं आया? आया. एक बार और कर दे, पेट भर जाए तो बता देना मुझे. खिलाओ ना आंटी. हाँ छोड़ दो, नीचे ऊपर मत देखना. कह दो तो ऊपर ही देखते हैं फिर नीचे देखते हैं, सर थोड़ा तो पेशेंस रखो. मन पहले देख लो फिर ऊपर देखो.
अरे भाई आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, सोच लो। हाँ ना बोल, एकदम पक्का नहीं आया ना। क्या? अरे ठीक है, इन्होंने जो बनाया एनिमेशन है यार, वो एक्यूरेटली वैसे दिखेगा तेरे को। इसमें जो ग्रीन दिख रहा है उसे मान ले, वो तेरे को वैसे दिख जाएगा, उसमें परेशान मत हो। एक और बार आओ टाइम पास। मन में, मन में, और फिर ऊपर देखें, फिर ऊपर देखें। अब लैब में जाओ ना। कौन सी लैब में? स्कूल में जाओगे ना, करके देखना। वो इंस्ट्रूमेंट में दिखाया वैसे दिखाया, आपको रीडिंग नहीं आ जाएगी। अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, पक्की बात? कितनी रीडिंग है इसकी? लिखा हुआ है ऊपर एक। क्या सबको आ गया है? क्या सब लोग कॉन्फिडेंट है? एक और? सब लोग कॉन्फिडेंट है? क्या रीडिंग लेनी आ गई है? हाँ ना बोल। अब मैं पहले इस वर्नियर कैलिपर के बारे में बताता हूँ, फिर मैं आपको लीस्ट काउंट पे और चर्चा करूंगा कि नए वर्नियर कैलिपर कैसे बनाए जाते हैं। पहले वर्नियर कैलिपर की कहानी खत्म करते हैं। इसमें अब उधर छोड़ दो, रीडिंग लेनी आई कि नहीं आई? पक्की बात? हाँ कि ना? अब इसमें कई तरह के जॉज होते हैं, जॉज मतलब इन्हें बोलते हैं। मान लो कि इसका ढक्कन देना तेरी बोतल का। मान लो कि इस ढक्कन के, मान लो कि मुझे इसकी लेंथ मेजर करनी है, तो मैं इन जॉज में फंसा दूंगा, इन जॉज में, और रीडिंग ले लूंगा। गॉट माय पॉइंट? बोल हाँ कि ना? ठीक। मुझे इस ढक्कन का इंटरनल डायमीटर मेजर करना है। क्या चीज? तो ऐसे थोड़ी करूंगा, ऊपर जॉज ऐसे दो, उसमें ऐसे रख दो, ये फंसाया, फंस गया, रीडिंग ले लो। ये इंटरनल डायमीटर आ गया। क्या आ गया? क्या आ गया? बोलो क्लियर? तीन मेजर यूज, आउटर डायमीटर, बोलो क्लियर? ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, तीन जगह से लो, एवरेज कर लो। अरे यार हाँ ना बोल। इंटरनल डायमीटर, अंदर फंसाया, ये फिर ज्यादा एक्यूरेट चाहिए तो एक जगह से, तीन जगह से, फिर एवरेज, बोलो क्लियर? बोलो डेप्थ बताओ इसकी, लो ये इसीलिए है वो, हंसने के लिए नहीं है वो। अरे भाई इसीलिए वो, देख कैसे पकड़, इसको ऊपर कर। अरे लाइट क्या जलानी है उसने यार, ये बोलो क्लियर? नीचे अड़ा रखा है, ऐसे कर लिया, ये यहां ले, डेप्थ आ गई, इंटरनल डायमीटर आ गया, आउटर डायमीटर आ गया। बढ़िया इंस्ट्रूमेंट। कैसा इंस्ट्रूमेंट? इट इज यूजफुल, इट इज मच मोर एक्यूरेट व्हाट वी हैव इन अवर हैंड्स, दैट इज अ नॉर्मल स्केल। क्या कई चीजें मेजर करता है? Yes, आपसे कई चीजों करा सकता है। पक्की बात? Yes, ये इनर जॉस किस काम में आते हैं? Yes, क्या ये सिलेंडर आउटर लेंथ के काम आता है? Yes, क्या डेप्थ नापनी हो ये काम आता है? Yes, रीडिंग लेने का तरीका सेम। हम जो बढ़ने के लिए पर, जो हमारे शरण बने के लिए पर, उसका लीस्ट काउंट कितना है? अगर अब किताबों में से रटाते, रटो मत उसको, समझो। रीडिंग लेने का तरीका, मेन स्केल की रीडिंग लो, फिर वन ईयर स्केल की रीडिंग का मतलब जिस जोन सा डिवीजन साइड कर रहा है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 0.01। क्या दोगे? रीडिंग आ जाएगी, जोड़ दोगे और फील करेगी व्हाट इज लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इज बेसिकली जो डिविजन्स के बीच की लेंथ का डिफरेंस है, डिविजन्स के बीच की डिफरेंस है। मतलब जो मेन स्केल पे एक डिवीजन की लेंथ थी और जो वन ईयर स्केल पे एक डिवीजन की लेंथ थी, उनका जो डिफरेंस था वो ही आप मिनिमम मेजर कर सकते हो। इससे ज्यादा मेजर करना पॉसिबल नहीं है, मतलब इससे कम मेजर करना पॉसिबल नहीं है।
दैट इज व्हाट हैपेंस. एक मिनट, क्या वन ईयर कैलिपर की रीडिंग क्या यूज आता है, हाउ इट वर्क्स, क्या आपको बात चमकी है? शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? फील आई थोड़ी थोड़ी? अरे यार हाँ ना बोल. अब और सुन. अब कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है, ध्यान सुने प्लीज, ये तुम्हें समझ आया ना? पक्की बात? चाहो तो उतारो, चाहो तो मत उतारो, सब शीट में लिखा हुआ है, डोंट वरी. हो चाहो तो उतार लेना, जो जो मैंने बनवाया उसमें कोई बात नहीं है. कैसे रीडिंग ली थी थोड़ा बहुत लिख लेना, बाकी पढ़ना मेनली आपको शीट से ही है. और डायग्राम है, डायग्राम मैंने शीट में बनाए हुए, देखो ध्यान से शीट, देखो ध्यान से शीट, खोल रखी है सबने? डायग्राम बनवाए हुए मैंने, तो बार बार बनाने की जरूरत नहीं होगी, बनाना चाहो तो बना लो. आप सुन, भाई साहब जो पूछना है पूछ लो, बाहर कुछ मत पूछना मेरे से, क्योंकि मैं बार बार ये खोल खोल के नहीं दिखाऊंगा ऐसे ही. जो पूछना ढंग से समझ लो अच्छे से, मैं फिर कह रहा हूं आपको, और पक्का अभी आज जो पढ़ाऊंगा पक्का सवाल है ये 100%. तुम्हें ना तो एक चीज बोली जाती है, बोलते हैं जीरो एरर. क्या बोलते हैं? पिछले कई बार क्या होता है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाता है, खराब हो जाता है या कोई डिफेक्ट आता है हल्का सा जो हो सकता है, उन्हें जीरो एरर कहते हैं. मतलब जब मैं इसे पूरा अड़ा दूं तो रियलिटी में अगर परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, कैसा इंस्ट्रूमेंट है? अगर परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट है तो क्या इसका जीरो और इसका जीरो मिलना चाहिए? कुछ एरर आ गया, हो गया इंस्ट्रूमेंट, एक ज्यादा फैला एक कम फैला. अब रोज रोज नया इंस्ट्रूमेंट तो अपन खरीदने नहीं जाएंगे, खरीद लिया ठीक है, तो कुछ एरर आ जाता है. मतलब होता क्या है कि इसका जीरो उसके जीरो से मैच नहीं करता. किसका जीरो? मेन स्केल का और वन ईयर स्केल का जीरो एक दूसरे से मैच नहीं करता. ऐसा हो सकता है ये दोनों ठीक, मतलब जब आप बिल्कुल ऐसे कर दो उसको, बिल्कुल दोनों दोनों जॉस को चिपका दो, तो इसका जीरो और इसका जीरो मैच करे ये जरूरी हो सकता है सर. इसका मतलब हमारा इंस्ट्रूमेंट सही है कि खराब है, उसे कहते हैं जीरो एरर. क्या कहते हैं? अब मान लो कि वो ऐसा है, हल्का सा बढ़ा लेते हैं ध्यान से, ये ध्यान से समझे कि मान लो जब आपने ऐसे अड़ाया ना तो ये दोनों जॉज अड़े नहीं, ऐसे रह गए. क्या ऐसा हो सकता है? डल रेस्पॉन्स. क्या ऐसा हो सकता है? अब सोच, इस इंस्ट्रूमेंट में तो किसी चीज को मेजर करेगा तो जो रीडिंग आएगी उसमें से वो असली होगी कि गलत होगी? कितनी गलत? लॉजिकली सोचो, एक बात समझो, जो समझ लगे दूसरे में रहा, मान लो इंस्ट्रूमेंट है ठीक, ऐसे समझो मैंने जॉस को बिल्कुल अड़ा दिया ठीक, तो ये दिख रहा है, बोलो क्लियर? ध्यान रखना कौन सा कौन सा एड कर रहा है, छठा कौन सा कर रहा है, सॉरी पांचवा कौन सा, ध्यान रखना. अब मान लो कि मैंने इसी 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 वो कहां गया चूहा, हाँ इसी वन ईयर कैलिपर से मैंने कोई चीज की लेंथ नापी तो रीडिंग ये आई, कितनी? 1.6. क्या सही है गलत है? इसमें वो पांच जोड़ूं या घटाऊं? लॉजिकली सोचो, आपको सब बात समझ आएगी तो आप खुद बोलोगे घटाऊं की बढ़ाऊं, घटाऊं की बढ़ाऊं, घटाऊं की बढ़ाऊं. सोच इसी सही रीडिंग क्या है? 1.1. क्या सब लोग समझ पाए? शाबाश. चमका? चमका कि नहीं चमका? पहले बताओ सबको चमका? भाई पहले से पांच तो पहले साला, अगर पांचवा मैच कर रहा था इसका मतलब पहले से रीडिंग थी कितनी? 0.05. कितनी? वो तो पहले से ही थी, वो तो एरर था साला. और आपने मेजर करी कितनी? 1.66. क्या इसमें से 0.05 माइनस कर दे? 0.05. यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया. आया नहीं आया? इस एरर को ध्यान सुनना, जब नामकरण है मैं चेंज नहीं कर सकता, जब आपने जॉस को टच कर लिया था
जब आपने जॉस को 5वें पे रोके तो बता दें सोचो ये जो वर्नियर स्केल का जीरो है ये अपने मेन स्केल के जीरो से आगे पीछे आगे पीछे आगे। तो बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, क्या बोलते हैं? पर जो रीडिंग आए माइनस करते हैं प्लस, वो तो लॉजिकल था यार। जो पॉजिटिव जीरो एरर है इसे कौन बोलते हैं? कौन सा बोलते हैं? कौन सा बोलते हैं? पॉजिटिव जीरो एरर। पर इसे माइनस करते हैं कि प्लस? तो नेगेटिव जीरो कब होगा? जब क्या ये जीरो क्या जाए? अरे यार हाँ ना बोल, पर वो थोड़ा और अच्छा है। फिर तो क्या पॉजिटिव जीरो एरर समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अरे भाई आया कि नहीं आया? पक्की बात? अब देख तेरी शीट में लिखा हुआ होगा ये, मैं बताता हूं कहां, एक बार आप पढ़ो आपको अच्छा लगेगा। देखो आप पेज नंबर 229 को एक बार पढ़ो, जहां तक मैं कह रहा हूं 229 में जो लिखा हुआ है उसे पढ़ो, सिर्फ ऊपर की तीन चार लाइनें। नेगेटिव जीरो एरर से पहले 229 में ये वाला आंटी वो तो स्क्रू गेज है। अच्छा मुझे लगा तो वो पढ़ रही है। इधर देख अब ध्यान सुन, पॉजिटिव जीरो एरर रीडिंग में से माइनस करेंगे कि प्लस? डल रेस्पॉन्स, माइनस करेंगे। और पॉजिटिव जीरो एरर सिंपल अपनी रीडिंग होगा, कोई बुराई वाली बात। नेगेटिव जीरो एरर इसमें मैं दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि इसमें अरेंजमेंट नहीं है, मेरे को उसको बनाना ही पड़ेगा। आपको इसमें जा रहा है क्या पीछे? नहीं जाएगा, चला जा भाई। हो जाए, शायद मेरे पास वीडियो पड़ा है उसमें है शायद, नहीं है। वॉल्यूम में हूँ। The zero error can be of two types. Zero error in vernier calipers. It is found. दिख नहीं रहा ना साहब, बहुत क्लियर नहीं है। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। अरे उससे पूछना अगर वीडियो की लीड लगा सकता हो तो। देख ये जो इसका जीरो है और ये इसका जीरो है, ये जीरो एरर ही समझा रहा है। अरे भाई है ना, और ये जो वीडियो लिंक से डाउनलोड कर लिए हमने, हम इसे एमएसएल में भी डाल देंगे। किसमें डाल देंगे? एमएसएल में, है ना, बन तो गए। इसमें से भी हमने अभी तीन तीन चार चार छाटे, तो सबसे अच्छा होगा उसको अलग कर लेंगे हम। तो आप कभी भी आपको टाइम मिले तो अपने एक बार देख लें, है ना। 22 वो एक्सपेरिमेंट जो जेई मेन में मेंशनड है आपके कोर्स ही, बट एक बार अपन देख लेते तो अच्छा लगता है, और कुछ खास बात नहीं। देखो बेसिक जो जीरो एरर जो वर्नियर स्केल है, ये कंफ्यूज मत होना, जो मैं पढ़ा रहा था उसमें वर्नियर स्केल ऊपर था, इसमें वर्नियर स्केल नीचे। तो देख क्या वर्नियर स्केल का जीरो आगे जा रहा है? वर्नियर स्केल का जीरो और मेन का पीछे, तो ये कैसा पॉसिबल? देख इसे चार डिवीजन मान लो, उसने बोला मैच करा, तो कौन सा वर्नियर स्केल? डिवीजन, मतलब इसका जीरो एरर की जो स्केल रीडिंग है इनटू लीस्ट काउंट। यार है कि नहीं है? तो लिख दिया उसने। अब अगर अपन रीडिंग लोगे तो फिर इसे प्लस करोगे माइनस करोगे? माइनस करोगे। वो उसे समझाया हुआ होगा, अब देखेंगे इसमें शायद। ये नेगेटिव वाला, कौन सा वाला? नेगेटिव वाला। इसमें जो मेन स्केल की रीडिंग है वो कहां है? कहां पे? सॉरी वन ईयर स्केल की रीडिंग कहां है? पीछे। मतलब वन ईयर स्केल का जीरो पीछे है और मेन स्केल का जीरो उसे नेगेटिव बोल रहे हैं। तो मान लो छह डिवीजन के इससे मैच करा, तो कॉन्साइडिंग वन ईयर स्केल इक्वल टू जीरो, तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वन ईयर स्केल इक्वल टू माइनस कॉन्साइडिंग वन ईयर स्केल। अब ये बात थोड़ी समझने की है इसमें, ध्यान समझना है क्या करा, ये समझना है।
यही समझाना था मुझे नेगेटिव जीरो एरर में. देख उसने क्या बोला, नेगेटिव पहले तो पॉजिटिव जीरो एरर समझ आया था. अब जो नेगेटिव जीरो एरर है उसमें मान लो छठा मेन स्केल मेजर करा, कौन सा छठा, ठीक. अब छठा अगर मेजर करा ना तो रियलिटी में 6 माइनस नहीं हुआ, 4 माइनस हुआ. क्यों समझे उस बात को, देखना जो कह रहा हूं. मान लो कि ये आपका मेन स्केल का जीरो है. किसका जीरो? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. बोलो क्लियर? यस. मेन स्केल है, कौन है? अब वन ईयर स्केल देखते हैं. वन ईयर स्केल अगर नेगेटिव जीरो है तो क्या थोड़ा पीछे? थोड़ा यहां. और मान लो कि इसका छठा डिवीजन इससे कॉन्साइड कर गया, कौन सा छठा, मतलब ये बोलो कि ये कौन सा छठा. अब आप एक बात समझो कि इसके आगे जो चार थे कौन सा डिवीजन कौन सा डिवीजन करा, तो जो आपने माइनस करा वो ये है कि ये है. देख उसने क्या करा है, अब देख उसने क्या बोला, ध्यान समझना. जीरो एरर में, जीरो एरर में उसने बोला कि देख नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल माइनस कॉन्साइडिंग वर्नियर डिवीजन. क्या बोला उसने, नंबर ऑफ डिविजन ऑन द वन ईयर स्केल माइनस कॉन्साइडिंग वन ईयर, क्योंकि रियलिटी में छठा तक आगे नहीं गए आप. आपने बेसिकली जो आप रीडिंग पीछे गए वो छह वाली गए या चार वाली गए, आप बात समझो. अगर ध्यान सुनना, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली. अगर ये जीरो जीरो मैच करते सही होता तो कौन सा मैच करता, दसवा इसका दसवा उसके, तो मेन स्केल का दसवा मैच करता. अभी कौन सा करेंगे आप, तो कितना पीछे आ गया, चार. यार तुम्हें नहीं आया, नहीं आया, नहीं मुझे नहीं चमका. ध्यान समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं, जीरो में ऐसा नहीं हुआ था, जो पॉजिटिव जीरो में, इसमें नेगेटिव में ऐसा. सोच एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, इसके नब्बे और इसके दसवें अगर एक्यूरेट होता, एक्यूरेट होता ना, नवा और दसवा मैच करता ना, तो जो पीछे आप कम रीडिंग ली वो तो ये है ना. तो चार का, इसके बाद तो चार का ही तो डिफरेंस है कि छह का डिफरेंस है. यार तुझे नहीं आया, पीछे आप ले गए तो आप मेजर की ज्यादा. ऐसे जीरो आ रहा है जिसमें ऐसे, ये नेगेटिव एरर है कि पॉजिटिव, पॉजिटिव जीरो एरर, सबको समझ आया? नेगेटिव जीरो में समझो ऐसा क्यों कर रहे हैं, नेगेटिव जीरो एरर में समझो ऐसा, लॉजिकली समझो. मान लो छठा मेजर कर गया, अगर सब कुछ परफेक्ट होता, अगर सब कुछ परफेक्ट होता कैसा होता, परफेक्ट, तो बेसिकली नाइन्थ मेजर करता ना टेंथ के साथ. अब सोच के देख रियलिटी में ये टेंथ इससे मैच करना चाहिए पर करा नहीं, तो इसका मतलब ये जो दूरी बची, इसे जूम करता हूं, ये कौन सा डिवीजन है, मेन का और वन ईयर का, ये ऐसे डिफरेंस है इनमें. ये जो चीज है यही, अगर सब कुछ परफेक्ट होता तो यहां मैच करता ना, ये नहीं मैच करा ना, इसका मतलब ये इतना यार. मतलब जब मान लो रीडिंग आएगी बाद में 1.65, तो उसमें ये जुड़ना चाहिए या कम होना चाहिए, जुड़ना चाहिए, क्योंकि आपने 1.65 जो मेजर करा उसमें ये, और क्योंकि आप जीरो के टाइम पे जीरो से थोड़ा कम हो, जीरो से थोड़ा, क्योंकि आपका वन ईयर स्केल जीरो से थोड़ा सा, यार भाई साहब सन्नाटे में चले गए, आपका वन ईयर स्केल जीरो से पहले से ही थोड़ा पीछे. अब लॉजिकली सोचो तो समझो इस बात को कि इनका एक दो तीन चार छठा मैच करा, कौन सा, पर जो एरर है, देख छठे के बाद छठे में क्या,
छठे पे क्या दोनों मैच कर गए? छठे पे दोनों मैच। अब देख छठे से यहां पे चले, पॉइंट वन पॉइंट वन पॉइंट वन पॉइंट वन, क्या पॉइंट फोर? कितना ऊपर? कितना? पॉइंट नाइन पॉइंट जीरो नाइन पॉइंट जीरो नाइन पॉइंट जीरो नाइन पॉइंट नाइन, कितना? पॉइंट जीरो थ्री सिक्स। तो पॉइंट नाइन और पॉइंट जीरो, क्या पॉइंट जीरो फोर? पॉइंट जीरो। तो सोच आप कितना कम रीडिंग मेजर कर रहे हो, पॉइंट जीरो फोर। तो अगर छठे पर कौन साइड करे तो छह रखे या दस माइनस छह रखे? एरर, जैसे पॉजिटिव एरर में छठा मेजर करता तो एरर होता पॉइंट जीरो सिक्स, कितना? नेगेटिव एरर में छठा मैच करा तो एरर होगा पॉइंट जीरो फोर, और नेगेटिव जीरो एरर रीडिंग में प्लस होगा कि माइनस? प्लस। सर प्राण निकल गए सर, नहीं आया, आया। अरे नहीं आया, आया। अरे नहीं आया, आया। नहीं आया, आया। आराम सोच, तीस सेकंड सोच, आराम से मैंने क्या करा, सोच मैंने क्या बोला, और जो तेरे लिखा हुआ है ना शीट में उसे भी पढ़ डाल, उससे शायद तेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आए, और कोई डाउट हो मुझसे पूछ बेझिझक। मैंने करा क्या है, व्हाट इज पॉजिटिव जीरो एरर, व्हाट इज नेगेटिव जीरो एरर, घर जाके ना बहुत अकल वाला खेल है ये, अकल लग क्या है? है? नहीं जैसे इसमें लिखा वैसे ही करना, पॉजिटिव जीरो एरर आए तो मेन रीडिंग में से माइनस करना है, और जो मैच करा है उसको पॉइंट जीरो वन से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक? अगर रटने वाली बात करना चाहते हो तो पॉजिटिव जीरो एरर सब मिलके करेंगे, पॉजिटिव जीरो एरर कितना होगा बोलो भाई? 0.01 इंटू वर्नियर स्केल मैचिंग, वर्नियर स्केल मैचिंग मतलब जो भी उसका कॉन्साइड करा, अरे यार हाँ ना बोल, तो ट्रू रीडिंग क्या होगी? मेजर्ड वैल्यू माइनस की प्लस, माइनस पॉजिटिव जीरो एरर। यार मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया, आया। अगर हम नेगेटिव एरर, नेगेटिव एरर जीरो एरर की बात करेंगे, कहां गया कहां गया, कहां लिखूं, ऊपर लिख देता हूं, यहां देख ये रहा, अगर हम नेगेटिव जीरो एरर की बात करेंगे, जीरो एरर, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 10, 10 किसमें नंबर ऑफ डिवीजन है? वन ईयर स्केल माइनस वन ईयर स्केल मैचिंग। ट्रू रीडिंग क्या होगी? मेजर्ड वैल्यू प्लस नेगेटिव जीरो एरर। ये मैंने मॉड इसलिए लगा दिया, कई लोग ये नेगेटिव प्लस माइनस करके माइनस कर लेते हैं। अरे भाई अब ये बात है बड़े जरा सी, पर इसे समझने के लिए आपका अब पहले लॉजिकली सोचो, पॉजिटिव जीरो एरर मतलब मेन स्केल का जीरो लेफ्ट में होगा कि वर्नियर का? ये वर्नियर स्केल, क्या वर्नियर स्केल का जीरो आगे होगा? yes, वो क्या पॉजिटिव जीरो एरर कहलाएगा? yes, वो क्या कहलाएगा? ट्रू रीडिंग में क्या इस रीडिंग को माइनस करा जाएगा? yes, क्या करा जाएगा? माइनस। नेगेटिव जीरो एरर में मेन स्केल का जीरो से क्या वर्नियर स्केल का जीरो पीछे होगा? क्या होगा? पीछे। और ट्रू रीडिंग में के लिए क्या मेजर्ड रीडिंग में इसको जोड़ा जाएगा कि घटाया जाएगा? जोड़ा जाएगा। क्या करा जाएगा? जोड़ा जाएगा। अरे क्या करा जाएगा? जाएगा। भाई साहब मैं फिर कह रहा हूं, मैंने बहुत बढ़िया चीज पढ़ाई है आपको, वो लीस्ट काउंट समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए वन ईयर के लिए पर क्या करते हैं।
व्हाट डू यू मीन बाय, मैं बताऊं आपको, जीरो एरर, नेगेटिव पॉजिटिव पे अभी तक जय ने बहुत कोई सवाल पूछा, हो सकता है इस साल आपको मिल जाए इस पे, क्योंकि ध्यान देता भी नहीं है। और मैं आपको कह रहा हूं, आप कोई किताब उठा लो, किसी के नोट्स उठा लो, आपको ये बात ढंग से समझ में नहीं आएगी जो मैं कह रहा हूं। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, आप ये ढंग से समझ लो जो मैं आपको कह रहा हूं। किताबों में नहीं मिलेगा वो आपको बहुत अच्छे से, या मिलेगा भी तो आप 5-10 किताब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी बात की, अच्छा ये ऐसे है। मेरे को लगा तुम सन्नाटे में पहुंच गए भाई, समझ आया थोड़ा थोड़ा। नेगेटिव जीरो एरर एंड पॉजिटिव जीरो एरर, क्या आपने वो क्रिस्टल क्लियर है? जो आपको शीट में उतारना हो ये सब उतारना, वहीं बना लो नोट्स पूरे ढंग से एकदम। लीस्ट काउंट, क्या चीज पे सवाल आ सकते हैं कुछ अच्छे। मैं एक नया वर्नियर स्केल बनाऊं, क्या बनाऊं? नया, मेरी बात ध्यान सुनना, आपको एक नया सवाल देता हूं बिल्कुल लेटेस्ट। ये स्टैंडर्ड वर्नियर है, इसे 90% सवाल इसी पे आएंगे, कोई बुराई यार, मुझे सबका रिस्पांस नहीं आया, तुम्हें समझ नहीं आया, थोड़ा ज्यादा टफ हो गया? एक बार और रिपीट बोलो, फील आई? पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर, रीडिंग कैसे होती है, लीस्ट काउंट क्या होता है, ध्यान से देखो तो लीस्ट काउंट क्या चीज है। लीस्ट काउंट इज बेसिकली मेन स्केल के एक डिवीजन की लेंथ माइनस क्या वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की लेंथ, यही है ना? बोलो है कि नहीं है? मैंने एक नया स्केल बनाया, क्या बनाया मैंने? नया स्केल जिसके मेन स्केल का डिवीजन तो 0.1 सेंटीमीटर ही है, पर वर्नियर स्केल में किसमें? वर्नियर स्केल में मान लो 20 डिवीजन है, कितने? 20 डिवीजन, कितने? 20 डिवीजन। मैं बोलूं कि 20 डिवीजन वर्नियर स्केल के मैच करते हैं 16 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, तो बताओ लीस्ट काउंट क्या है? मेरा सवाल नहीं चमका आपको, मैं बोलूं, मैंने नया सवाल बनाया आपके लिए बिल्कुल लेटेस्ट, मैंने आपके लिए बहुत लेटेस्ट सवाल बनाया, देखो आप। मैंने आपके लिए जोड़ सवाल बनाया, मैंने आपको बोला कि वन मेन स्केल इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, ये तो है ही, पर मैंने बोला कि वर्नियर स्केल में 20 गैप है, रहने तो अब हो गया काम बार, थैंक यू। वन मेन स्केल में 0.1 है, मैंने बोला वर्नियर स्केल में कितने हैं? 20, पर वो 20 कितनों के साथ मेजर करते हैं? 16। किसके 16? तो बताओ लीस्ट काउंट क्या है? आपको सोचना है भाई, तूने जो मैंने बोला उसे चमकेगा तो कर पाएगा? बोल भाई, कितना? 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 0.1? बोल बोल बोल। 0.02? लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट पूछ रहा हूं मैं आपसे। लीस्ट काउंट बेसिकली वो चीज है, लीस्ट काउंट बेसिकली वो चीज है जो आप मिनिमम मेजर कर सकते हो। बोल 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 बोल, कितना? मेन स्केल के 16 उसके से मिलते हैं 20, मतलब क्या 16 × 0.1 इज इक्वल टू क्या 20 × x? ये x क्या चीज है? ये x क्या चीज है भाई? ये x क्या चीज है? क्या चीज है? क्या ये वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की लेंथ है? ये वैल्यू कितनी है बोल? 0.08। ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है। एक मेन स्केल की रीडिंग कितनी? 0.1 माइनस 0.08, कितना आंसर? 0.02 सेंटीमीटर। एक मिनट, किसी भी किताब में कोई फॉर्मूला लिखा हो, अपनी शीट में भी लिखा है, रटना नहीं, हमेशा उस फॉर्मूले से आंसर आएगा ये गारंटी नहीं, क्योंकि मैं कुछ भी सेटिंग कर सकता हूं ना, मैं कुछ भी सेटिंग, तो आपके प्राण निकलेंगे अगर आपके लॉजिक क्लियर नहीं है तो। और मैं आपको लॉजिक क्लियर करना चाहता हूं, भले टाइम लग जाए थोड़ा, कोई फॉर्मूला नहीं डालना चाहता मैं आपको, तो लॉजिक क्लियर हो। अपनी शीट में एक बहुत जोरदार सवाल है, बहुत शानदार, मतलब उसे करते हैं, आओ।
बहुत शानदार, मतलब जोरदार मजा आ जाएगा। प्रश्न नंबर 6 एक्सरसाइज 2, आंसर मत देखना। प्रश्न नंबर 6, ज्यादा अच्छा सवाल है। बढ़िया सवाल, समझना, क्लासिक मैंने कराया है आपको, अच्छा है। एक बार सोचो, ऐसे बाइफर्केशन है, यार आवाज नहीं है कि नहीं है। दूसरा वेज भी तो ऐसा ही है, दूसरा वेज भी तो, उसमें भी हर दो लाइन के गैप में कितना है। बट आप एक बात अच्छे से समझो, वो दूसरा वेज ऐसे रखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। जब मैं कोई चीज मेजर कर रहा हूं ऐसे, अब ध्यान समझना, तो इस लेंथ के अलोंग इन दो लाइनों के बीच की दूरी कितनी है? एल सेक थीटा। पर ऐसे मेजर कर रहा हूं तो यहां पे दो लाइनों के बीच की दूरी तो एल सेक थीटा है, बट यहां पे कितना? देख रखने के तरीके से देख, कितना 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 कितना, तो ये मेन स्केल हो गया। वो क्या हो गया? वन ईयर स्केल। लीस्ट काउंट क्या होता है? क्या मेन स्केल क्या एक डिवीजन की रीडिंग माइनस क्या वन ईयर स्केल के एक डिवीजन की रीडिंग मेन स्केल एक डिवीजन की रीडिंग वन ईयर स्केल के एक डिवीजन की लेंथ माइनस एल। आंसर पीछे देख, पीछे देख, अरे पीछे देख। क्लासिक क्वेश्चन, डरो मत। हेलो, चेक 1 2 गजनो चेक। क्या आंसर है? अरे यही दिया हो ना, एल वन माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही तो है भाई। सेक कई लोग परेशान है, ये थोड़ी है। अरे सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं ना, तो उसने वैसे लिख दिया, वो एक अलग बात, बट करना इतना ही था भाई। सारे फॉर्मूले फेल है सारे, इसलिए कह रहा हूं आपको फॉर्मूले रटने की जरूरत, आप लॉजिकली समझो जो मैं कह रहा हूं। और ये वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चंस ऑफ लीस्ट काउंट है, मतलब बढ़िया एकदम, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। अरे बोलो चमका, ऐसे सवाल होते हैं लीस्ट काउंट वन ईयर कैलिपर पे। नेक्स्ट लिखो, अब ये इंस्ट्रूमेंट, हेलो चेक, अब ये इंस्ट्रूमेंट आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा और बहुत रफ्तार में। इसे बोलते हैं स्क्रू गेज। क्या कहते हैं? एक मिनट, क्या मैंने आपकी पूरी एनर्जी ड्रैग कर ली है? क्या आप बिल्कुल पजल हो गए हो? क्या वन ईयर कैलिपर समझ आया है? आया है क्या? आज रिवाइज कर लियो दो बार, आज करियो फिर दो दिन बाद करियो, नहीं तो कंफर्म भूल जाओगे, मैं आपको भी बता दूं। पर आज मैं काम दूंगा पूरी शीट आपको, कुल मिला के तीनों एक्सरसाइज में 50 सवाल हैं। कितने? 50। अभी स्क्रू गेज खत्म कर दूंगा, पूरी शीट दे दूंगा आपको ढंग से एकदम। स्क्रू गेज क्या चीज, जल्दी समझ लें। वैसे स्क्रू गेज और एक्यूरेट, क्या चीज? मान लो कि आपका पतला सा वायर है, क्या चीज? पतला सा वायर, मान लो वायर है किसी के पास, ज्यादा हो गया माइक वायर, अरे वाह। इस वायर अब इसका डायमीटर नापना है तो स्केल से नापोगे? नाप लेंगे सर, अबे ऐसे नापे, वो लेंथ है, डायमीटर नापना ऐसे लग, ये फंसाया ये,
पकड़े ना इसको, इसे पकड़ ले ऐसे बस, और कुछ नहीं करना तेरे को, ऐसे फंसाया ऐसे, ये दबा दिया, ये रिडीम क्या है वो उधर दिखाऊंगा। बहुत पतली पतली चीजों के डायमीटर नापने के लिए ये काम आता है। इसे क्या बोलते हैं, इसमें एक ऐसे प्लग होता है जिसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं और यहां रीडिंग स्केल होती है, अभी दिख जाएगा आपको सब, डोंट वरी, देखें ध्यान से। ये घुमाने का ये रहा चक्का, बोलो क्लियर। ये वो गैप है जहां पे आप चीज फंसाते हो, ये वो गैप है जहां पे आप चीज, बोलो क्लियर। अब आप इसको ऐसे ऐसे घुमाते हो तो देखिए गैप बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। तो एक बहुत बहुत ध्यान से देखेगा ना, तो देख तेरे को दिखाई देगा कि नोट कर, अगर तेरे को दिखाई दे रहा है पीछे तो पूरा एक गोल चक्कर घुमा दिया ना तो वापस जीरो आ गया। दिखा रहा हूं डोंट वरी। एक तो मैं चश्मा घूम जाता है मैं उतार देता हूं, तो ढूंढता रहता हूं मैं उसे। देख ये जो चक्का है ये जो स्क्रॉल कर रहे हैं अपन, लेट्स बी मोर सोफिस्टिकेटेड यू नो, सो व्हेन वी स्क्रॉल दिस स्क्रॉल, आप सोच अभी आप जीरो जीरो मैच कर रहे हैं। ये जो आपको इसे बोलते हैं मेन स्केल, और जो चक्का है इसे बोलते हैं स्क्रू गेज स्केल, मतलब स्क्रॉल जिसे क्या बोल रहे हैं। अरे यार हाँ ना बोल, बोलो क्लियर है। अब कुछ नहीं, अगर आप इसे घुमाओ देखो तो देखो ध्यान से देखना, पूरा एक चक्कर होने का मतलब एक रीडिंग बढ़ रही है। देख 80 आ गई, 90 आ गई, 90 के बाद 0 आएगा, इसका मतलब ये पूरा 100 है। मतलब वो सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन है, 100, कितने 100। जब वो पूरा 100 घूमता है तो ये एक डिवीजन सरक जाता है, एक रियल स्क्रू गेज स्केल में रियल। ये कौन खड़ा है, इसका जो एक चक्कर घूम रहा है, जो एक पूरा चक्कर घूमा उसमें 100 डिवीजन है, कितने 100। और जो स्क्रू गेज का मेन स्केल है उसका एक डिवीजन आता है, बोल यस और नो। रीडिंग में जो हमारा स्क्रू गेज होता है, नॉर्मल जो हमारा स्क्रू गेज होता है उसमें एक डिवीजन 0.5 mm का होता है, कितने का, कभी कभी 0.1 का भी ले लेते हैं, 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 मतलब वो जो आपका स्केल होता था ना नॉर्मल स्केल, उसका जो होता था वो है ये ऐसे, ठीक। तो 0.1 सेंटीमीटर कितना, तो बेसिकली जब हम पूरा एक चक्कर घूमते हैं तो हम मेन स्केल पे 0.1 सेंटीमीटर रख जाते हैं, कितना 0.1 सेंटीमीटर, कितना पॉइंट। जैसे अगर अपन ध्यान से देखें तो अपने को दिखाई देगा कि अगर आप सोच मान लो जैसे अपन ऐसे लिया, कितना आ गया ये 0.5 का मतलब क्या है, 0.5 नहीं नहीं ये लिखा हुआ जो आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5 मतलब क्या, एक एक एमएम का, सॉरी 0.1 सेंटीमीटर का गैप है। yes, तो आधे पे आ गए अपन, कहां पे आ गए। अब तू एक बात अच्छे समझ कि मान लो, अच्छे समझते हैं अपन कि मान लो हमने कोई चीज रीड करी वो ऐसे, समझ ना तेरे फील आ जाएगी अच्छे से। देख मान लो हमने जो रीडिंग करी वो ऐसे आई, देख ये मेन स्केल पे कितना सरक लिया आप, कितना सरक लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितना। अब सोच सर्कुलर पे कितना सरक लिए, कितना कितना कितना, पूरा 90 सरकते तो 0.6 आता, कितना सॉरी पूरा 100 सरकते तो कितना आता, 0.6 मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 0.8 कितना। क्या मैं 0.7 से थोड़ा ज्यादा हूं, जो ज्यादा था उसको मैंने 100 में डिवाइड कर रखा है, कितने में 100 में। जर, 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 जर,
अरे पूरा घूमता हूं तब 0.1 सेंटीमीटर सरकता हूं। yes, sir. कितना कितना घूमता हूं 100, अभी कितना घूमा 22, तो 7 तो था ही। yes, sir. पर 0.1 क्या 100 में डिवाइडेड था। yes, sir. अभी कितना घूमा 22, तो ये रीडिंग कितनी, देखना समझना, 0.7 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 22, क्या तुम्हें आया नहीं, क्या तुम्हें आया नहीं, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। ये रीडिंग, ये क्या है, क्या ये खत्म। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आप मिनिमम क्या मेजर कर सकते हो इससे, ये क्योंकि आपने 0.1 को किसको 100 हिस्से कर दिए सर्कुलर स्केल पे, कितने 100. कितने 100. कितने 100. कितने 100. तो 0.1 by 100, 0.1 सेंटीमीटर by 100, यानी कि इसका लीस्ट काउंट हुआ 0.001। याद कर बर्नियर का क्या था 0.01, इसका कितना है, ये और खतरनाक। अरे भाई यार नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, उड़ गए तोते, बोलो चमका, अरे हाँ ना बोल, लीस्ट काउंट क्या चीज। अब देख पता, एक टाइम सुन, ये जो दो मेन स्केल के गैप होते हैं इसे बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं कह रहा हूं ये तो स्टैंडर्ड है, ये तो क्या है, डल रिस्पॉन्स, ये क्या है, ये तो स्टैंडर्ड है। बट मान लो हम ये गैप 0.1 सेंटीमीटर की बजाय क्या 0.05 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। yes, क्या सर्कुलर स्केल में डिवीजन 100 करें या 50 भी कर सकते हैं। yes, तो ध्यान से देखो तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स इन सर्कुलर स्केल। एक मिनट जल्दबाजी मत करो प्लीज, क्या बात चमकी, क्या बात चमकी, यार हाँ ना बोल। अब ये होता वन ईयर के लिए पर जैसा ही है, और वन ईयर समझ में आ जाता है तो ये अपने आप समझ में। अब इसमें भी पॉजिटिव एरर भी होता है, और अब आपकी शीट में लिखा हुआ आप पढ़ोगे। मैं अगला टाइम, हालांकि सब खत्म हो गया, मैं अगला टाइम फिर 5 मिनट चर्चा कर लूंगा आप चाहोगे तो। क्या बात चमकी है, क्या एयर कैलिपर स्क्रू गेज समझ आए हैं। अब सुन, अब अगले टर्न ये देख, एक मिनट, अब आप मैं बताऊं आपको है ना, यार बात नहीं प्लीज, आपको एक एक्सपेरिमेंट खुद से पढ़ना है, बाकी सब आपके पढ़े हुए हैं। यंग्स मॉडुलस जानते हो, F/A डेल्टा L/L, उसी में सिंपल एक्सपेरिमेंट सल्स मेथड 231, कौन सा 231। और आप मेरी बात ध्यान सुने, अगले टर्न में एक्सरसाइज 1, 2 एंड 3 इसी की डिस्कस करूंगा, और बहुत ढंग से, बिल्कुल थ्योरी लेक्चर की तरह, कोई मॉडर्न का डिस्कशन, 50 सवाल दे रहा हूं, कितने इसी एक बार खत्म करते हैं इसको ढंग से, ताकि इसका कोई सवाल गलत ना हो। बोलो क्लियर एग्जाम, जहां एक्सपेरिमेंट बताने होंगे, जो बताना होगा, जो करना होगा, मैं आपको सब करा दूंगा, क्या मेरी बात है। तो 1, 2, 3 50 सवाल कंप्लीट करके आओगे आप लोग।